स्वागत करछे आपण मानको मोरी चैनल सुमन फूड स्टेशन थी। आके आसुछे पखाड़ दिवस मार्च 20 के आमे ओडिशा रे पखाड़ दिवस हिसाब रे सेलिब्रेट करसू। प्राय समस्तंकर घरे पखाड़ संगे आउ किछि किछि बहुत प्रकार रो आइटम माने बंसी। आज मैं आपण मानकर लागि पखाड़ स्पेशल गोटे थाली नेकरी आछे। पखाड़ संगे बहुत प्रकार रो आइटम बनामा, तो चलन स्टार्ट करमा आज रेसीपी। के आशा करछे आज रेसीपी आपण मानको भल लागबा। जदि भल लागबा बेले लाइक शेयर कर देबे, मोर चैनल के जदि सब्सक्राइब नहि करन बेले सब्सक्राइब करिकरी साइड रो घंटी चिन्हटा कर देबे। तो चलन स्टार्ट करमा आज पखाड़ स्पेशल थाली। पहला हमें पखाल बनामा है लगे मुझे इनु दुई ग्लास बागी उष्णा चाउल नहीं छे। देखुन इतना के धुई गिरी हमें भल से सफा कर दमा, तार परे इतना के बनावटा स्टार्ट करमा। सफा करी गिरी इथी मुझे पानी ढाली दो छे। देखुन पानी भल से इथी दे गिरी हमें गैस रे यहाँ दे इतना के हाई फ्लेम थी बसे दमा। भल से इटा फुटला परे इतना के टिके बागी स्लो करी गिरी बसावे बेले पखाड़ो भल से ही जिबा। कम से कम 20-25 मिनट भीतर आमर पखाड़ो रेडी ही जिबा। देखुन 20-25 मिनट हो गलान, आमर पखाड़ो पूरा रेडी अच्छे। भात भल से ही गलान, सीझी गलान भल से। यहाँ देखे मुझे गोटे कसा थी बाहर कर दूचे, जितकी बागी दरकार आमको हेतक बागी मुझे कसा गोटे थी बाहर करी थंडा हबार लगे इतना के किसी टाइम लगे अलग रखी दूचे। पानी टिके ढाली दूचे और भल से इतना मिसे करी मुझे इतना के अलग रखी दूचे। यहाँ दे आम नेक्स्ट प्रोसेस के जीमा चलून। आम यहाँ साग बनामा। साग बनाबार लगे गोटे कढ़ई थी मुझे टिके बागी तेल दे दूचे चमचे खड़े। तेल गरम होगापर सोरसो अधा चामच दे दूचे। सोरसो फुटला परे इथी टिके बागी लहसुन मुई काटिकी रखी थी हेटाके पके दौचे। इतना के टिके भाजला परे इनु मुई सुखा मिर्चा गोटे लालटा इनु पकोचे। जदि सुखा मिर्चा नानो बेले कंचा मिर्चा भी दे पारबे। इतना के टिके भाजला परे इतार कलर चेंज हबार तक टिके भाजबे। देखुन इटा भाजी गलानो भल से। यहाँ दे इथी आमे साग के पकामा। साग के मुई पहलानु काटिकी धोईकी रखी थी भाजी साग है इटा। गैस रो फ्लेम के यहाँ दे हाई थी रखी थे सब साग के पकेदमा। आम इथी सबू साग के पकाला परे यहाँ दे मुझे इनु नून अधा चामच बागी पके दूचे। मोर टेस्ट हिसाब से पकेचे नून, आपणकर टेस्ट हिसाब से आप पकाबे। जेतक साग पकोचन है हिसाब से नून पकाबे। इतना के घाटिकी आम यहाँ इतना के सीझार लगे छाड़दमा, ढापीदमा किसी टाइम लगे। मुझे इतना के गैस र्लेम हाई थी ही रखी थे ना इत बहुत पानी बाहर सी। देखुन फिर भी इत पानी बाहर टिके टिके पानी बाहर बार स्टार्ट हलान। पानी सुखवार थक आम इतना के घाटमा इंता करी हेतक बेल थक साग भी भल से सीझी जीवा। गैस रो फ्लेम हाई थी रखे जदि पानी बाहर बेले देखुन पानी भल से सुखी गलान। मुझे हाई फ्लेम थी इतना के कली तो साग रेडी अच्छे। साग के अलग रखिकी याद आम भजा बनाबार्टा स्टार्ट करमा। भजा भाजबार लगे इनु मुई केतेटा जिनिस परिवा काटिकी रखीछे। देखुन कंचा कदेल के इंता छोट छोट किना काटी दीछे, पुटल के टिके काटी दीछे, इंता बैगन के गोल गोल करी काटी दीछे। ये सब के याद आम भाजमा। भाजबार लगे इनु पहला आम बैटर बनामा। बैटर लगे मुई इनु कॉर्नफ्लोर 3 चामच बागी नहीं छे। 2 चामच खड़े मुई इथी बेसन पकोछे। चमचे बागी धनिया पाउडर, चमचे जीरा पाउडर, चमचे बागी लाल मिर्चा पाउडर और टिके बागी हल्दी इनु पकोचे। नून मोर टेस्ट हिसाब रे मुई इनु आधा चामच पकोचे। ई सब के मिसे दमा भल से और टिके टिके बागी पानी देकरी तार गुटे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रे गुटे बढ़िया बैटर आमे रेडी कर दमा। देखुन इतार बैटर रो कंसिस्टेंसी आपन देखि पारुछन एतकी अछि। यहा देथी आमे भजा बनाबाटा स्टार्ट करमा। मुई तेल के पहलानु गरम करी रखी थिली। इन द बैगन के इथी भल से डीप करी आमे इथी कढ़ई थी छाड़ी दमा। सब वेजिटेबल के आम इंता करी छानी दमा। जितकी वेजिटेबल आम काटिकी रखी थी गैस रो फ्लेम के हाई थी ही रखी थे ना इटा भल से भाजी ना हुए। देखुन इतार कलर भी चेंज हो गलान, बढ़िया भाजी भी हो गलान। इटा भाजी हालापर इटा के आम अलग गोटे प्लेट थी काढ़ी दमा। देखुन के बढ़िया क्रिस्पी दिशुचे, कॉर्नफ्लोर पड़छे बोली। बाकी सब वेजिटेबल के भी आम सेम प्रोसेस रे छानी दमा। यहाँ दे मुझे कदेल के छानुछे। कदेल के मुझे पहलानु काटिकी पानी थी टिके बागी पके दी थी इति लगी इटा भल दिशुचे ना कला ही जैसी। देखुन सबूटा के इंता करी बैटर थी पके किरी छानी दमा। कदेल भी हो गलान, इता के भी मुझे काढ़ी अलग जगह थी रखीदेमी। पुटल के भी सेम प्रोसेस रे आम करदमा। देखुन पुटल के भी बैटर रे पके किरी मुझे कढ़ई थी पके दूचे। हाई फ्लेम थी इतना के छानले भल से छानी हेसी। पुटल भी आमर रेडी अच्छे पूरा। तो मोर सब भजा प्राय प्राय छानी ही गलान भल से। आपन जदि चाहबे बेले अलग वेजिटेबल भी नहीं पार्बे। मुई इनु कदेल पुटल आउ बैगन नहीं छे।
इताके अलगा गोटे साइड रे रखिकरी आम नेक्स्ट प्रोसेस के जिमा यहाँ आलू छिटका बनाबाटा स्टार्ट करमा। आलू देखुन इनु मुई पहलानु सीझेकरी तार छाली छड़ेकरी रखीचे। इनु मुई 6-7 मीडियम साइज्र आलू नहींचे। आपणकर क्वांटिटी हिसाब से आपण कम कि बेसी करिपारबे। गोटे फोक्र हेल्प रे इताके भलसे मुई चिटकी दौचे। बहुत ही सहज तरीका थी आउ इटा जल्दी भी बनी जाएसी हेती लागि मुई इटा बनाऊचे। देखुन सबू आलू भलसे मुई चिटकी देली न। यहाँ देती टिके बागी सोरसो तेल मुई पकई दौचे। चामचे बागी सोरसो तेल पकई दौचे। आ नून मोर टेस्ट हिसाब से आधा चामच मिर्चा काटिकी रखी थी कंचा मिर्चा टिके धनिया पतर टिके आ प्याज गुटे बागी काटी देछे छोट छोट किना है सबू के इथी भलसे मिसे देमे। देखुन बहुत सहज तरीका थी बहुत टेस्टी आलू बनी जाएसी। तो ई तरीका थी थरे जनता हेले भी बनेकरी देखबे आलू के। तो मोर आलू भी रेडी अच्छे। यहाँ आम पखाड़ छुंक दमा। छुंक देवार लगे इनु मुई टिके बागी तेल नहीं दौचे गोटे पैन थी। तेल गरम होगापर सोरसो अधा चामच दे दौचे। दुईटा लहसुन मुई पकई दौचे इथी। सुखा लाल मिर्चा गोटे भी पकई दौचे। ये सबू के भलसे मिसई दमा। यहाँ गैस र्लेम के इनु मुई अफ करदेमी। यहाँ के आम पखाल जेन थंडा करवार लगे रखी था हेनु यहाँ पकई दमा। नून मुई पहला पकाउचे इथी मोर टेस्ट हिसाब से गोटे चामच। और जेन छुंक बनता है ताकि मुई इथी पकई दौचे लहसुन सोरसो और मिर्चार। यहाँ देती दही 2-3 चामच मुई पकई दौचे। जैतकी दरकार जैतकी खटा दरकार है हिसाब से पकाबे। आ सबू के आम भलसे मिसई दमा। आमर दही पखाड़ पूरा रेडी अच्छे। ई हिसाब से मुई बनासी। तो आपण भी जनता हेले भी थरे ट्राए करी देखिबे बहुत टेस्टी लगसी। तो रेडी अच्छे आमर सबू आइटम पखाड़ सांगे साग आलू भर्ता कदळी भजा पुटल भजा बैगन भजा तार सांगे मुई रखीछे पापड़ आउ बड़ी छानिकिरी। आ इनु मुई सलाड के काटिकिरी रखीछे काकुड़ी मूला आउ प्याज के। तो रेडी अच्छे आमर बहुत सहज तरीका थी दही पखाड़ गोटे स्पेशल थाली। इ पखाड़ दिवस रे इ थाली के जनता हेले भी ट्राए करिकिरी देखुन बहुत जल्दी बनी जाएसी आ बहुत टेस्टी भी बनसी ये आइटम। तो ये वीडियो के मुई इनु रखुचे बताबे केनता लगला मोर आज रेसीपी।